नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन की, जो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ताई का जो अपना जीवन है, एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया है और अब जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उस इंटरव्यू में उनकी कई बातें सामने आई हैं, दर्द भी सामने आए हैं ताई के। ताई किस तरह से अपने आप को इन दिनों महसूस कर रही हैं, खासकर उस स्थिति में जबकि लगातार 8 बार चुनाव जीतने के बाद ताई को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। लोकसभा अध्यक्ष भी अब वे नहीं रहेंगी क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ताई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाला समय, जो उनका लंबी राजनीतिक सक्रियता के बाद अब जो समय कटेगा वो कैसे कटेगा, इसको लेकर ताई ने अपनी पीड़ा एक इंटरव्यू में व्यक्त की है। और उन्होंने ताई ने यह कहा है कि अब वे अपना मन प्रवचन में लगाएंगे, कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से वे जनता से जुड़ेंगी, जनता से अपनी बात करेंगी। यानी ताई ने अपने जीवन की शुरुआत प्रवचनों से की थी। ताई उन दिनों प्रवचन दिया करती थी, उनकी एक भजन मंडली थी, वे भजन गाया करती थी और वहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर लंबे राजनीतिक जीवन के बाद अब ताई वहीं पर लौट कर आ रही है जहां से उन्होंने अपने जीवन की, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। यानी अब वे भजन मंडली बनाएंगी और प्रवचन करेंगी। इंदौर के लोग ताई को अभी तक सांसद के रूप में देखते रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 5 साल तक उनकी भूमिका देखी है, टेलीविजन पर उनको पूरे देश ने देखा है, इंदौर ने देखा है। लेकिन अब ताई का जो नया रूप सामने आने वाला है, तो इंदौर के लोग उनको एक प्रवचनकार के रूप में देखेंगे, क्योंकि धर्म के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से ताई अब अपना रिटायरमेंट काटना चाहती है। अब सवाल इस बात का है कि उनको रिटायरमेंट के लिए किसने बाध्य किया, तो इसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियां जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिंह से लेकर कई लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि 75 के बाद टिकट नहीं मिलेगा और उसी घेरे में ताई भी आ गई। सवाल इस बात का है कि जब कांग्रेस में मनमोहन सिंह अभी भी सक्रिय हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ताई तो अभी मात्र 76 वर्ष की ही हुई है। अभी हाल ही में उन्होंने 76वां अपना जन्मदिन मनाया है। ऐसी स्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ज्यादति की है और राजनीति के एक बहुत सक्रिय, बहुत लोकप्रिय चेहरे को संन्यास की ओर धकेल दिया गया है, उन्हें सन्यासी बनने के लिए बाध्य कर दिया गया है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सन्यासियों को और साधुओं को टिकट देकर उनको राजनीति में सक्रिय कर रही है, जैसे कि भोपाल में हुआ है, प्रज्ञा ठाकुर के मामले में, उमा भारती के मामले में हुआ है। उमा भारती भी सन्यास के साथ ही राजनीति में सक्रिय रही है, हालांकि इस बार उन्होंने टिकट स्वेच्छा से नहीं लिया है। लेकिन ताई तो चुनाव लड़ना चाहती थी और इंदौर से वे ताई जीतना भी चाहती थी और जीत भी सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और अंततः ताई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि वे अपनी वृद्धावस्था, अपना बुढ़ापा कैसे काटें, कुल मिलाकर अपने रिटायरमेंट में क्या करें। तो वे अब प्रवचन करेंगे, उनके प्रवचनकार के नए रूप लोगों को देखने को मिलेंगे, वे अपनी भजन मंडी चलाएंगी और इस माध्यम से वे अपना जनता के साथ जुड़ी भी रहेंगी और खुद का भी अपना समय वे पास करेंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.